सदर प्रसाद जी जमीन के आदमी हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके दिखाया और दिखा देंगे। हम रुद्रपुर के खास तौर से विधानसभा के लोगों से कहना चाहते हैं, रुद्रपुर क्या जो सम्मान है आपका इसी में है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सदर प्रसाद जी को अधिक से अधिक वोट से जिताएं। जो किसी के काम नहीं आता हो, सिर्फ अपनी काम की अपेक्षा रखता हो आप लोगों से, वो भाजपा के उन नेताओं को कभी आप लोग मतदान मत करिए। बीजेपी का निर्णय जान गया है कि पूरी तरह पराजित हो रहा है, वो कहीं जीतने वाले नहीं है। वो लोग आए बार सारा बोलना शुरू कर दिए हैं, देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सब प्रदायिक धार्मिक मुद्दों को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें समझ गई है। ये 400 पार का वोट है, ये 400 हार है उनकी, 545 में 400 सीटें हारी की बीजेपी, और बड़ा सीधा सा गणित है। आप लोग जोड़ लें, हिंदुस्तान में 545 लोकसभा सीट है, 129 सीटें दक्षिण भारत से आती है, जहां बीजेपी लड़ाई में ही नहीं है, वहां से एक भी सीट नहीं जीतती है। तो 545 में 130 सीट घटा दीजिए, बचा 413 सीट। अब 413 सीट में 8 राज्यों में बीजेपी 100% सीट जीती है, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान और एक कोई और है नॉर्थ ईस्ट में, ये 7 प्रदेश 100% सीट बीजेपी जीती है। 8 प्रदेश ऐसा है जहां पे बीजेपी 95% से ज्यादा सीट जीती है। मध्य प्रदेश में 1 छोड़ के सब बीजेपी जीती है, बिहार में 2 छोड़ के सब बीजेपी जीती है, महाराष्ट्र में 2 छोड़ के सब बीजेपी जीती है, कर्नाटक में 2 छोड़ के सब बीजेपी जीती है, छत्तीसगढ़ में 2 छोड़ करके सब बीजेपी जीती है, 1-2 नॉर्थ ईस्ट की और सीटें हैं, सब बीजेपी जीती है। अब आप देखिए, सिर्फ बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 3 राज्य में 120 सीट होती है, और इसमें मात्र 5 सीट विपक्ष के पास है। 120 में 115 सीट बीजेपी की जीत चुकी है, इस बार आधे से भी कम जीतेगी। मतलब 115 सीट जहां जीते थे, वहां 50 सीट जीतने में इनको लोहे के चले चबाने पड़ जाएंगे। बिहार में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में 7 सीट यहां से घटे, और ये जो 8 राज्य बताए हम आपको, इसमें 70 सीटें हैं, इसमें आधे घटेंगे तो 35, इसमें घट जाएंगे 95, ये कम हो गए, बड़े आराम से 95 तो सिर्फ इसी में कम हो गए। इसके अलावा और उत्तर प्रदेश अभी है, 35-40 यहां से कम होंगे, 130 सीट इससे ही कम हो गए। अभी बंगाल बचा है, आसाम बचा है, नॉर्थ ईस्ट बचा है, तेलंगाना बचा है, गुजरात बचा है, पंजाब बचा है, इन राज्यों में कम से कम 50 सीट और घटेंगे। 150 से 200 सीट बीजेपी घट रही है, पूरी तरह हारने वाली है। आप लोग पूरे जोश और खरोश के साथ लगिए, इनकी विदाई तय है, और पिछला चुनाव हमारे देश में सैनिकों पे हमला हुआ था, पुलवामा पे अटैक हुआ था, उसमें हमारे तमाम जाबाज सैनिक, भारत के सपूत, भारत के लाल शहीद हुए थे, उसका भी फायदा बीजेपी ने किन्हीं कारणों से उठाया था। आज सामान्य सा चुनाव, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, 10 साल की अपनी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, वो अपने काम की बात ही नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान धर्म सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई अपना काम गिनाने को है ही नहीं है। विपक्ष को दबाने का, मुंह बंद करने का,
प्रयास बहुत किया, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया और खुद सारे भ्रष्टाचार के सिरमौर बने बैठे हैं। एक करोड़ बांड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। तो ये बहुत से मुद्दे हैं, आप लोग याद करिए, 10 सालों में बीजेपी ने एक भी ऐसा कानून नहीं बनाया है जो गरीब को, किसान को, नौजवान को, मजदूर को फायदा पहुंचाता। 10 साल में एक किसी बीजेपी वाले से पूछेगा तुमने कौन सा ऐसा कानून बनाया है जिससे गरीब का, किसान के लिए बनाया हो? एक भी कानून नहीं बनाया है। सिर्फ कानून अगर बनाया है तो अपने रईस मित्रों के लिए बनाया है। 20 उत्तर प्रदेश में नौकरी की परीक्षाएं हुई हैं, 200 लीक हुई हैं। क्यों? क्योंकि नौजवानों को नौकरी देना नहीं चाहते, दलितों पिछड़ों को आरक्षण मिल जाएगा इसलिए उसे नौकरी देना नहीं चाहते। बातें बहुत सी हैं और समय बार बार और भी आएगा, आप लोग किसी खास मकसद से आए हैं। ये सारे मुद्दे हैं, जनता के बीच में जाइए। और एक बात और जान लीजिए, बीजेपी दो राजनीतिक दल है आज के तारीख में, एक बीजेपी नहीं है, दो बीजेपी है, पहचानिए। एक बीजेपी मोदी की है और एक बीजेपी मायावती की है। मायावती या बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं है, वो भी बीजेपी है, उसका मुखिया मायावती है, एक बीजेपी के मुखिया मोदी जी हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन में मायावती जी को बात हुई, कहा गया क्यों नहीं आए, क्योंकि उन्हें बीजेपी को लाभ पहुंचाने की मंशा था, वो बीजेपी हैं, इसलिए पहले नंबर की बीजेपी के खिलाफ गठबंधन में कैसे आए। और इस बात को दलित पिछड़े सब पहचान चुके हैं कि बहन मायावती जी उन लोगों के साथ हैं कि जो इस देश का संविधान बनाना चाहते हैं, जो इस देश में अपना संविधान ला करके जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वो एक बराबरी का अधिकार सबको दिया था, वो अधिकार से वंचित करने वाली पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी है। लोग आप इस बात को गांव गांव जाकर के गरीब के, दलित के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के बस्ती में बताइए, वो इंडिया गठबंधन को वोट देने को तैयार है। वो समझ गए हैं कि उनका असली स्थान इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है। वो पहचान गए हैं कि अभी तक वो गुमराह थे मायावती जी की पार्टी में रहते हुए। आप पहुंच जाइए लोगों के दरवाजों दरवाजों, और इतने लोग एक विधानसभा को जिताने के लिए बहुत हैं, कोई ठीक नहीं पाएगा। आप लोग मेहनत करें, कामयाबी अवश्य मिलेगी और अधिक से अधिक जीतों से अधिक बहुमत से रुद्रपुर की लोकसभा जिताए, रुद्रपुर की विधानसभा जिताए, बासगांव की लोकसभा जिताए। और हम अपने कांग्रेस के साथियों से अब जरूर कहेंगे कि सब कोई अपने आप को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदा प्रसाद समझे, हर बूथ पर सदा प्रसाद बन के जाए और लोगों से अपने बात को रखे और अधिक से अधिक मतदान करा करके कांग्रेस के पक्ष में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदा प्रसाद जी को भारी बहुमत से जिताए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।